आगामी चुनाव के मद्देनजर आहूत पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जाति जनगणना पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार से बिहार में हुआ है और जैसा प्रियंका और राहुल गांधी ने कहा है उसी तर्ज पर हमें काम करना चाहिए और हम करेंगे भी। इंडिया अलायंस में भी बात आई है कि जब तक हमें सही आंकड़े नहीं पता होंगे हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचा पाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा, हर बैठक महत्वपूर्ण होती है, लगातार चल भी रही है और चलेगी भी। उन्होंने कहा कि पार्टी का काम लगातार चल रहा है, पंचायती राज का बड़ा सम्मेलन हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया, प्रियंका गांधी ने भी संदेश दिया था, जनता कांग्रेस को दोबारा चुनेगी और हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से बिहार में हुआ हमारे नेता राहुल गांधी जी कह गए, प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसी तर्ज पर हमें करना चाहिए और हम नहीं, काम तो लगातार चल रहा है पार्टी का। हर तरफ आपने देखा कि अभी हमारी कई रैलियां हुई हैं और सभी एक से एक बढ़कर, अभी आखिर में प्रियंका जी आई थी और पंचायती राज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उसमें लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रियंका जी भी संदेश देकर गई हैं। हमारे सभी नेता आए यहाँ पर, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और लोगों में एक नया उत्साह आया है। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के लोग हमारे 5 साल का कार्य देखते हुए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ही दोबारा चुनेंगे और हमारी सरकार बनेगी। आज महत्वपूर्ण बैठक भी है, हर बैठक महत्वपूर्ण होती है और बैठकें तो लगातार चल रही हैं, चलेंगी जी। बिल्कुल, महिलाओं का विशेष योगदान रहता है हमेशा सरकार बनाने में, और पिछली सरकार जैसे आपने देखा तो सरकार को गिराने में हमारी सरकार ने खास तौर पर फोकस किया है महिलाओं पर, उनके समूहों पर, उनके कामकाज पर। जब तक सीईसी उस पर ठप्पा नहीं लगाती तब तक हमारे प्रपोजल होते हैं, ये प्रस्तावित होते हैं, और सीईसी जब बैठेगी कुछ दिन में तब फैसला सामने आ जाएगा। एआईसीसी की बैठक है, इसके बीच में एआईसीसी की बैठक है। देखिए, भाजपा तो कुछ ना ही बोले, अपने गिरेबान में झांके कि किस प्रकार से उन्होंने हमेशा देश को बांटने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है और जो इंडिया अलायंस है उसमें भी जो ये बात आई है, जैसे बिहार से शुरू होकर, कि जब तक हमें सही आंकड़े मालूम नहीं होंगे तो लोगों तक हम फ़ायदा कैसे पहुंचा पाएंगे। और यही बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जब एक प्रस्ताव पारित किया और माननीय राज्यपाल महोदय के साथ राजनीति खेली गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा और रिपोर्ट को दबाया गया है। आप देख जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल के बाद सत्ता खोई ये इनके कुशासन का नतीजा था, और जो लोगों में और भारतीय जनता पार्टी में एक गैप और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और इनके नेताओं में जो गैप था वही आज के दिन भी चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि महिलाएं कांग्रेस पार्टी का पूरा पूरा साथ देंगे, हमारा प्रयास है कि पिछली, वैसे तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, MLA हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि उससे ज़्यादा हम। धन्यवाद।